आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। और चलिए रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पहली खबर लखनऊ से है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत आज राजधानी लखनऊ पहुंचे हुए थे। वहीं इस दौरान प्राइम टीवी पर बात करते हुए राकेश टिकैत ने बताया कि इस बार किसानों ने एक अलग ही तरह की रणनीति बनाई है। उनको जो ठीक लगेगा उसी राजनीतिक दल को उत्तर प्रदेश में वो वोट देने वाले हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इसलिए आया हूं क्योंकि लखीमपुर में किसानों के साथ सरकार ने जो वायदे किए थे उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अभी तक मृतक परिवारों को ना तो मुआवजा मिला है और ना ही सरकारी नौकरी। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है और चुनाव को देखते हुए जो राजनीतिक दल है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को मनाया जाए। उत्तर प्रदेश का जो पश्चिम है वो किसानों के लिए सबसे अहम है, क्योंकि किसान आंदोलन जो हुआ था वो पश्चिम के किसान बड़ी भूमिका उसमें निभाते हुए नजर आए थे, और उसके अलावा उत्तर प्रदेश के भी किसानों ने वहां पर एक बड़ी भूमिका निभाई थी। और पश्चिम के किसानों के साथ साथ पश्चिम के जाट को मनाने के लिए बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार अब पश्चिम में बने हुए हैं। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राकेश टिकैत साहब। सर, आप लोगों की तरफ से किसान आंदोलन हुआ, लेकिन अब पश्चिम को मनाने के लिए, पश्चिम के किसान को मनाने के लिए, पश्चिम बेल्ट में अपनी जगह बनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां पर मौजूद हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? और सबसे अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप आए हैं, क्या किसी से मुलाकात है, कोई राजनीतिक समीकरण बनाने के लिए आए हैं, कुछ ऐसा गठजोड़ तैयार किया जा रहा है कि किसानों के हित के लिए कोई काम या बात करी जाए किसी राजनीतिक दल से? भाई, उत्तर प्रदेश में चुनाव पहले उसमें तो सरकार को जाना चाहिए, और सरकार सड़क मार्ग सजा और 6 महीने पहले से अगर जाती तो कम से कम सड़क ठीक हो जाती, स्कूल में जाते तो स्कूल ठीक होते, अस्पताल ठीक हो जाते। अब ये हवाई मार्ग से जा रहे हैं, अब क्या करेंगे ये जाके? रहा ये कि 13 महीने किसान दिल्ली में आंदोलन पर बैठा रहा, सरकार हमको तो मिली नहीं कहीं। 13 महीने से किसान को नहीं मिली सरकार। हाँ, यहाँ पे हम आए लखनऊ में, यहाँ पे लखीमपुर खीरी वाले मामले में अधिकारियों से बातचीत होगी अभी 1 बजे कमिश्नर के यहाँ पे, तो उसमें अधिकारी आएंगे, जोन जोन समझौते में थे वे अधिकारी आएंगे तो उनसे बातचीत करेंगे। एक डेलीगेशन पूरा लखीमपुर से आ रहा है, हम लोग जाएंगे तो 7-8 लोग वहाँ पर जाएंगे। क्या किसी राजनीतिक दल से भी इधर मुलाकात आपकी होनी है? उत्तर प्रदेश का चुनाव है और कहा जा रहा है कि हम राजनीति वालों से दूर रहे। राजनीति वालों से हम दूर रहे। बीजेपी तो कह रही है कि आपसे पुराने नाते हैं, आपको फिर से हम वापस। हमारे तो सबसे है रिश्ते, हमारे तो हाँ सारे यहीं तो रहने वाले हैं, यहाँ ही एक परेट में कहीं रहे हैं, इसी में बिल्डिंग में सारे रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की रणनीति क्या है आगे की? जनता गैस का सिलेंडर 400 रुपये में 1000 रुपये में भरवा रही, तो अपने आप वोट दे देगी जिसको देना होगा। वो ईंधन का जुगाड़, रोटी कैसे बनेगी उसका जुगाड़ करके वो लकड़ी बीनती फिरती है महिलाएं। पशु पालने वाली जो लेडीज हैं जिनके पास में जमीन नहीं है, अपने पशुओं को कैसे पालती हैं और दूध क्या रेट में जाता है, तो दे लेंगी वोट जिसको देनी होगी। रोजगार का क्या साधन है, महंगाई कहाँ है, तो दे लेंगे जिसको वोट जहाँ देनी। हम तो वोट वाले मामले से दूर हैं। ये तो बात जनता की होगी, मैं बात किसानों की करूँ, क्योंकि किसान अपने फसल को आधे रेट में बेच कर जहाँ वोट देना चाहगा दे लगा। हाँ, बात घुमा रहे, बता हाँ बात घुमा रहे हम बात घुमा रहे भाई, आधे रेट में फसल बेच के और उसको जहाँ वोट देनी होगी दे लगाओ। वोट के मामले से दूर हैं हम, मतलब किसी को भी किसी तरह से कोई सपोर्ट चाहे आगे से हो चाहे, तो अपनी फसल को आधे रेट में बेच के जहाँ उसको वोट देनी वो दे लो। अभी अखिलेश यादव कुछ दिनों पहले लखीमपुर मामले में जो किसान घायल हुए थे उनके साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और कह रहे थे कि हम इंसाफ दिलाएंगे सरकार में। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उन्होंने, सरकार भी कर रही, आज भी सरकार के लोगों से आज बातचीत है। आज मान मनोबल का खेल जो है वो चल रहा है दोनों तरफ। नहीं, वहाँ पे जो घायल हुए थे एक तो उनका मामला है, एक जो नौकरियाँ उनको देनी थी उसका मामला है, ये बहुत से मामले अभी रह रहे हैं जो समझौते में हैं। ये आपको भी मनाने की कोशिश करी गई किसी? हमें कोई नहीं मना रहा, हमें कौन मना रहा, हम तो सरकार की तलाश कर रहे हैं।
दिल्ली सरकार की पिछले एक साल से तलाश कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार है कहाँ, हमें मनाने की कहाँ जरूरत है, हम ही सरकार के पास में जाल लग रहे, सरकार है कहाँ, सरकार हमारे से मिलती नहीं, और से मिले किसी से, मिलना शुरू कर दिया नहीं मिल रहे। हमने 15 दिन पहले भी उनको मैसेज दिया भाई हम मिलना चाहते हैं, जो MSP का सवाल है, एक कमेटी बनाने की बात करी थी, हम मिलना चाहते हैं, तो सरकार हमारे से तो कहीं मिली नहीं भाई, ना हमको मिली कहाँ है। हाँ कहीं मिले भाई, प्रेस वालों को मिल सके, चुनाव है तो बताइयों के याद कर रहे थे किसान जो दिल्ली आंदोलन में थे, वे किसान याद कर रहे थे, तो हम जरूर मिलना चाहते हैं भारत सरकार से। कहते हैं कि किसान ही नहीं थे हमेशा से, उन्होंने इस बात को कहा। तो हम हो रहे क्या है भाई, हमें बता दो हम क्या है फिर, हमें बता दो क्या है। बात करने के लिए तो ये थे राकेश टिकैत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव तो है और चुनाव को देखते हुए जो रणनीतियां हैं वो भी तय करी जा रही हैं, लेकिन इसके अलावा जनता अपने मुद्दे जानती है, किसान अपने मुद्दे जानते हैं और उसी मुद्दे पर भी वोट देंगे और वही बेहतर भी होगा। हालांकि किसी भी राजनीतिक दल को सपोर्ट करने की बात इन्होंने नहीं कही है, इन्होंने ये कहा है कि मैं लखीमपुर मामले को लेकर के यहाँ पर आया हूँ और उच्च अधिकारियों से मुलाकात करूंगा ताकि जो लखीमपुर में पीड़ित थे उनको इंसाफ मिल सके। लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं नितिन, प्राइम टीवी। अगली खबर उन्नाव से है जहां पर सपा प्रत्याशी का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। उन्नाव में चौथे चरण में मतदान होना है जिसको लेकर आज नामांकन का दूसरा दिन है। वहीं दूसरी ओर सपा कार्यकर्ताओं में भवंत नगर सीट को बदलने को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में बेहद रोष व्याप्त है। सपा के समर्थकों ने गदनखेड़ा बाईपास पर पूर्व सांसद अनु टंडन का पुतला फूंका। वहीं कार्यकर्ताओं ने थोड़ी देर बाद इन सभी ने अनु टंडन का पुतला भी फूंका है और कहा कि अखिलेश यादव से बैर नहीं, अनु टंडन की खैर नहीं। वोट टिकट बदलने को लेकर अभी भी कार्यकर्ताओं में रोष देखने को मिल रहा है। जी किसी से पूछा नहीं गया, ना ही संगठन से पूछा गया है, ना ही हमारे जिला अध्यक्ष महोदय से पूछा गया, ना ही हमारे विधानसभा अध्यक्ष से पूछा गया, ना ही किसी भी कार्यकर्ता से पूछा गया है। अनु टंडन की तानाशाही से ये टिकट दिया गया है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारी पार्टी द्वारा सर्वे करवाया गया है वो सर्वे निकलवाया जाए और उसके आधार पर जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दिया जाए। वही रायबरेली में दबंगों के हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल दबंगों ने विधवा महिला से मारपीट की, इसी के साथ विधवा महिला ने दबंगों पर छेड़खानी का भी आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि शौच के लिए वो बाहर गई थी और दबंगों ने इसी बीच महिला के साथ छेड़खानी की है। दबंगों की पिटाई का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी के साथ पीड़िता ने यह भी बताया कि उसने पुलिस में पूरे मामले की शिकायत की, बावजूद उसके अभी तक मामले में कोई भी सुनवाई नहीं की गई। क्या परिचय है आपका? अनीता। कहाँ से आई हो? क्या हो गया आपके लोग साथ? हमारे लोगों के साथ गांव में छेड़छाड़ हुई, उसके विरोध में मार हुआ है, इसी के लिए आए। खाने गए थी आप? खाने गए थे, हमारी वहाँ कोई सुनाई नहीं हुई। आज कहाँ पे आई हैं? आज यहाँ आए हैं। आगे कार्रवाई नहीं होगी तो फिर कहाँ जाएंगी? आगे कार्रवाई ना हुई साहब तो मर जाओ, जहर खा ले, अब नहीं गांव छोड़ के चले जाओ, बहू का करोगे। वहीं सिद्धार्थनगर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष सहित 3 लोगों पर पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया गया है। आरोप लगाते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए पुतला दहन कर कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। वहीं सिद्धार्थनगर जनपद में कांग्रेस के टिकट की घोषणा होने के बाद बांसी 304 विधानसभा से टिकट के प्रबल दावेदार वरिष्ठ नेता डॉक्टर रमेश चौधरी जिले के आधे से ज्यादा ब्लॉक अध्यक्ष और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जिलाध्यक्ष काजी सुहेल अहमद, राष्ट्रीय महासचिव राजेश तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह का उन्होंने फूका है। हंगामा करने वाले कांग्रेसियों का कहना है कि जब तक तीनों को पार्टी से नहीं निकाला जाता तब तक के लिए यह हंगामा इसी प्रकार से जारी रहेगा। इसी के साथ हंगामा करने वालों ने यह भी कहा कि आने वाले चुनाव में नोटा ही वो दबाने वाले हैं। विश्व विजय सिंह ने और काजी सुहेल जिलाध्यक्ष जी ने, अजय कुमार लल्लू ने, प्रियंका गांधी ने, सब लोगों ने कहा था कि डॉक्टर रमेश चौधरी वहां का जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशी है, उसका टिकट पूर्वांचल में सबसे पहले घोषित किया जाना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने टिकट को बेच लिया। जहां चुनावी खेल है, जहां महाभारत नदा हुआ है, वहां कांग्रेस पार्टी के लोग चुनावी सेल लगाए हुए हैं और पैसे पे टिकट दे करके इटवा से किसी को दे दिया गया, जबकि वहां मोहम्मद मुकीम को वहां के प्रत्याशी थे, राजेश तिवारी ला करके दे दिया उनको 2000-4000 में। हम लोग बटोर करके यहाँ से भेज देंगे। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अजब दस्तूर है साकी तेरे मैखाने का,
अजब दस्तूर है साकी तेरे मैखाने का, अरे जाम मिलता ही उन्हीं को जिन्हें पीने नहीं। वही सुल्तानपुर में पुलिस के डर के चलते एक अधेड़ नदी में कूद गया, तब तक अधेड़ का कोई भी पता नहीं चल पाया है। आरोप है कि अवैध शराब बनाने की आशंका में पुलिस ने उसे दौड़ाया था, उसके बाद अधेड़ ने नदी में छलांग लगा दी और फिर वो उसमें डूब गया। वही पुलिस कप्तान मामले में पुलिस की संलिप्तता को सिरे से खारिज कर रहे हैं। वहीं डूबे अधेड़ की तलाश के लिए SDRF और स्थानीय गोताखोरों की टीम को लगाया गया है। कल शाम को बरासिन गांव में एक जयश्री, जिनकी उम्र लगभग 55 साल है, उनके गायब होने की सूचना है। ऐसा बताया जा रहा है कि वो नदी में डूब गए हैं। इस संबंध में आज SDRF की टीम और बाकी लोगों के द्वारा उनकी तलाश कराई जा रही है, साथ में पतारसी के लिए एक टीम भी लगाई गई है। एक दूसरी बात भी इनके घर के द्वारा या मीडिया के माध्यम से आई है प्रकाश में, जो है कि पुलिस टीम के दौड़ाने पर वो नदी में कूद गए, जो कि सरासर असत्य है। पुलिस टीम ने वहाँ जो अवैध शराब के निर्माण स्थल थे वहाँ पर दबिश देकर और लहन नष्ट किया गया है, जबकि वहाँ से काफ़ी दूर पर यह घटनास्थल है। न तो पुलिस ने कोई दौड़ाया है, न इस तरह का कोई कार्य पुलिस के द्वारा किया गया है। वहीं हमीरपुर की मौदहा कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने चोरी किए गए 8 ट्रैक्टर और 12 मोटरसाइकिलों को बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने मौके से 7 शातिर चोरों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शातिर चोरों को जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार दीक्षित ने शातिर चोरों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए इनाम भी घोषित किया है। पुलिस ने कहा कि बरामद हुए सामान की कीमत 76 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है, इस पर उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ जो है छापा मारा और इसमें 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें जो 7 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं उनसे जो है 8 ट्रैक्टर जो विभिन्न कंपनियों के हैं और 12 मोटरसाइकिल जो है बरामद की गई हैं। और ये गैंग जो है अपनी घटनाओं का अंजाम जो है छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में देता था, उत्तर प्रदेश में भी ये सक्रिय था। बहुत सारी जो चोरी की गाड़ियां हैं वो ट्रेस हो गई हैं और बाकी गाड़ियां जो है ट्रेस की जा रही हैं कि वो कहाँ से चोरी की गई थी और उनका किन थानों पर मुकदमा जो है पंजीकृत किया गया है। और ये ऐसा लगता है कि इस तरह के वाहन चोरी के वाहन इन्होंने इकट्ठे किए थे और इसके जो धन का जो अर्जन करते और उसको चुनाव को भी प्रभावित करने की आशंका लगती है कि उसका भी ये प्रयोग कर सकते थे। बस्ती के छावनी थाना क्षेत्र के भदोही गांव के पास संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत का मामला सामने आया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि युवक की मौत के बाद घाट के पास का एरिया जो है वो सील किया गया है और अब युवक की मौत को लेकर लोगों ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि बालू माफिया, पुलिस और खनन निरीक्षक की मिलीभगत से यह अवैध बालू खनन हो रही थी, जिसका विरोध यहां की जनता लगातार कर रही थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन इसकी अनदेखी कर रहा था। वही पुलिस का कहना है कि शव को जांच के लिए फिलहाल भेज दिया गया है और आगे की कार्यवाही जारी है। आपके कौन है? वो हमारे दामाद जी। तो वही सूचना मिली हमारी लड़की के द्वारा, रात में हमारे यहाँ फोन गया, वो रोने लगी। बड़ी देर के बाद में उसने बताया, आधे घंटे के बाद में तक उसने बताया कि होश ही नहीं रहा था, जैसे रोते जैसे गर्भवती है। इस समय 2 महीने का समय रह रहा बच्चा, एक छोटी सी बच्ची, 3 साल पर हम उनसे फिर उनके घर आए और घर से यहाँ देखने के लिए आए कि क्या स्थिति कैसे है। लाश देखने मिली कि नहीं मिली? लाश देखने को नहीं मिली, तो उसको आश्रम में भेज दिया गया। मतलब बिना परिजनों को बताए हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। चौकी इंचार्ज विक्रम जोत मौके पर पहुंचे, घायल को दबे हुए ट्रक के नीचे से निकलवाकर तुरंत CC विक्रम जोत भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने बाद परीक्षण चालक राजेश कुमार मिश्रा को मृत घोषित कर दिया। शव को कब्जे में लेकर उनके परिजनों को सूचना दी गई। उनके सूचना मिलने पर मृतक के भाई ब्रजेश और सुभाष मिश्रा थाना छावनी पहुंचे, जिनकी तहरीर पर थाना छावनी पर अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई करते हुए शव का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। मौके पर
शांति व्यवस्था बनी हुई है। वहीं बादा में अनियंत्रित ट्रैक्टर के पलट जाने पर मजदूर की मौत का मामला सामने आया है। पूरे मामले को लेकर बता दें कि अनियंत्रित ट्रैक्टर पलट जाने से मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसके बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां अस्पताल में डॉक्टरों ने मजदूर को मृत घोषित कर दिया। वहीं अब युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। एक्सीडेंट का मामला आया था, कहां से आया था, क्या है? 18 साल का लड़का लाया गया था और इसकी जो है मौके पे मौत हो गई है और अभी पोस्टमार्टम कार्रवाई देखिए तैयार नहीं हो रहा है। पोस्टमार्टम बाद ही पता चलेगा इसकी मौत कैसे हुई है। कहाँ का रहने वाले डॉक्टर साहब जी? उतरवा गांव का रहने वाला है। अगली खबर फतेहपुर से है, जहां पर लाला बक्सरा गांव में एक दिन पूर्व दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी। किसी तरह से मामला शांत होने के बाद एक पक्ष का युवक अचानक से गायब हो गया। परिजनों ने थाने में दूसरे पक्ष के खिलाफ तहरीर दिए जाने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई, जिसके बाद युवक का शव ग्रामीणों ने खेत में पड़ा हुआ बरामद किया। तो गांव में इस पूरे मामले के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो